हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय केमिस्ट्री ब्लॉग। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। जून का जो समर वैकेशन हुआ उसके बाद मैंने आपको कोई भी वीडियो क्लास 12th से नहीं दिया। तो आज हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में केवल एक टॉपिक बचा हुआ है जो कि लास्ट टॉपिक है, और वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो आज हम लोग उसी के बारे में स्टडी करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि CBSE बोर्ड ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है ड्यू टू द कोरोना की वजह से। तो सारे चैप्टर से कुछ न कुछ टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है, और एक चैप्टर जो लास्ट चैप्टर आपका वो कम्प्लीटली उसको रिमूव कर दिया गया है। तो आप सिलेबस को देख लेंगे नेट पर जा करके, और जो टॉपिक रिमूव कर दिया गया है, कुछ सरफेस केमिस्ट्री से भी टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं, उन टॉपिक्स को आप नहीं पढ़ेंगे, और बाकी जितने टॉपिक्स हैं उसको आप पढ़ेंगे। तो आज स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स में स्टूडेंट सबसे पहला हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है इन कोट्रेल, COTRELL, कोट्रेल प्रेसिपिटेशन। इन कोट्रेल प्रेसिपिटेशन, तो सबसे पहला है स्टूडेंट आपका इन कोट्रेल प्रेसिपिटेशन। इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज या बॉयलर्स हैं, तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी, इंडस्ट्रीज हैं, बॉयलर्स हैं या आपकी जो फर्नेसेस मीन्स जो भट्टियां हैं, उससे क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, जिसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं और डर्ट पार्टिकल होते हैं। तो स्मोक है क्या, ये इसमें इट कंटेन्स, ये क्या रखता है, इसमें पाया जाता है इट कंटेन्स डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स, इसमें पाए जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है, इट क्रिएट्स एयर पॉल्यूशन, ये क्या करता है, एयर पॉल्यूशन करता है, इट क्रिएट्स एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन जो क्रिएट होता है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल, यहाँ ओ रहेगा स्टूडेंट, स्मोक पार्टिकल और डस्ट पार्टिकल जो है यही क्या करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। और स्मोक एक्चुअली में है क्या, ये एक तरह से कोलाइड्स है, क्या है, कोलाइड्स, कैसा कोलाइड्स है, एरोसॉल, ये क्या है, एरोसॉल। तो ये आपका स्मोक क्या है, कोलाइड है, तो ये कोलाइडल इन नेचर है। तो हम लोग करते क्या है, इसी स्मोक को किसमें ले जाते हैं, ये कोट्रेल प्रेसिपिटेटर, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेटर, यही जो आपका कोट्रेल प्रेसिपिटेटर है, इसी को प्रेसिपिटेशन, ये कोट्रेल प्रेसिपिटेटर, या हम इसको लिख सकते हैं कोट्रेल प्रेसिपिटेटर। दोनों का नाम स्टूडेंट सेम है, मीन्स हम चाहे तो कोट्रेल प्रेसिपिटेटर बोल दें या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इसमें होता क्या, जैसे ही स्मोक इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में जाता है, तो ये जो आपका डस्ट पार्टिकल है और स्मोक के पार्टिकल्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, इट रिमूव्स द डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स, डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, ये क्या करता है, ये डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स को क्या करता है, रिमूव कर देता है।
तो जैसे ही स्मोक से ये डस्ट और स्मोक पार्टिकल रिमूव हो जाएगा, तो इसके बाद जो एयर आएगी यहाँ से प्रेसिपिटेटर से, जो एयर बाहर आएगी वो कैसी एयर होगी? क्लीन एयर होगी। कैसी होगी? CLEAN, क्लीन एयर। और ये कहाँ चली जाएगी? इन द एटमॉस्फियर। तो एटमॉस्फियर में कैसी एयर जा रही है? क्लीन एयर जा रही है। तो प्रेसिपिटेटर ने क्या किया, ये जो प्रॉब्लम थी, जो पॉल्यूशन हो रहा था एयर में, उसको क्या किया, ये रिमूव कर दिया। तो अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, ये प्रेसिपिटेटर वर्क कैसे करता है। ये जो प्रेसिपिटेटर है, इसका जो वर्क है वो बिल्कुल किस पे डिपेंड करता है? कोलाइडल नेचर पर। जो स्मोक का कोलाइडल नेचर है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बनाया गया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इसका जो ये कोलाइडल नेचर है, इसी का यूज करके स्मोक और डस्ट पार्टिकल को हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, वर्किंग, हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वर्क्स। मींस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, ये वर्क कैसे करता है, इसके लिए हम लोग एक फिगर ड्रा करते हैं। उस फिगर से आपको हम समझाते हैं। ये है स्टूडेंट्स एक ऐसा चैम्बर, एक चैम्बर हम लोग लेते हैं, ये चैम्बर है और ये चैम्बर एक है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स जुड़े होते हैं स्टूडेंट्स। तो एक इलेक्ट्रोड, एक यहाँ वायर है और इस वायर में ढेर सारे मेटल के प्लेट लगे होते हैं। ये आपके मेटल्स प्लेट हैं और ये दो इलेक्ट्रोड हमने लिया, जिसमें एक निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, एक पॉजिटिव। तो ये स्टूडेंट पॉजिटिव है, ये आपका, ये जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये इधर वाला ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है। इसको एक हाई वोल्टेज बैटरी से हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। एक हाई वोल्टेज बैटरी, ये आपका है हाई वोल्टेज। और इसका जो वोल्टेज होता है वो स्टूडेंट होता है अबाउट 50,000 वोल्ट। कितना होता है? 50,000 वोल्ट। ये 50,000 वोल्ट की एक बैटरी है, जिससे हमने दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया है। और इस पे ये सारी प्लेटें जो हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ी हुई हैं, तो ये सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो ये क्या है आपके? पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड या मेटल प्लेट। ये प्लेट जो है किसकी बनी हुई है? मेटल की। तो ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट। यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग स्मोक की एंट्री कराते हैं। यहाँ से स्मोक क्या है, इंटर करता है और इस चैम्बर में जाता है। तो होता क्या है, जैसे ही इस चैम्बर में जाता है तो ये क्या है, ये डस्ट, इसमें जो स्मोक जा रहा है, तो इसमें जो स्मोक पार्टिकल्स हैं और डस्ट पार्टिकल हैं, ये इसी प्लेट पर चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्मोक पार्टिकल्स हैं, ये कैसे हैं? निगेटिवली चार्ज्ड हैं। कैसे हैं? निगेटिवली चार्ज्ड स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स, मीन्स डस्ट पार्टिकल और जो स्मोक है ये निगेटिवली चार्ज्ड है, और ये स्टिक कर जाता है, स्टिक ऑन पॉजिटिवली पॉजिटिव प्लेट। ये जो आपका पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इस पे क्या होगा, स्मोक और डस्ट के पार्टिकल। स्मोक और डस्ट के पार्टिकल कैसे हैं? निगेटिवली चार्ज हैं, जिसके कारण ये प्लेट पे क्या होते हैं, जाकर के चिपक जाते हैं। और फिर यहाँ से जो स्मोक निकलती है बाहर, ये क्या है, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर एयर है, या क्लीन आप कह सकते हैं, क्लीन एयर या क्लीन एग्जॉस्ट गैस आप कह सकते हैं, एग्जॉस्ट गैस, क्लीन एग्जॉस्ट गैस। और ये कहाँ चला जाता है,
इनटू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस तरह से जो क्लीन एयर है या क्लीन एग्जॉस्ट गैस है वो एटमॉस्फेयर में जाता है और जो हमारी एयर पॉल्यूशन की समस्या थी वो सॉल्व हो जाती है। यहाँ पे आप स्टूडेंट आपने देखा कि ये डस्ट पार्टिकल और स्मोक पार्टिकल जो या प्लेट पर चिपक गए हैं इसको क्या करते हैं 22 सेकेंड इस प्लेट को हम सेक कर देते हैं। तो सेक करने के बाद क्या होगा, ये सारे डस्ट पार्टिकल यहाँ नीचे चैम्बर में, ये क्या है सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं। मीन्स डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स कलेक्टेड बाई सेकेंड द प्लेट। और उसके बाद क्या होगा, मीन्स ये जो है ये जो प्लेट्स हैं इस प्लेट को जब हम सेक करेंगे तो ये सारे डस्ट पार्टिकल जो यहाँ चिपके हुए नीचे आ जाएंगे और उसके बाद क्या होगा लास्ट में इनका रिमूवल हो जाता है एंड रिमूव्ड बाय मैनुअली या तो मैनुअली इसको रिमूव कर लेंगे या मैनुअली और ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा सिस्टम लगा देते हैं इसके अंदर कि ऑटोमेटिकली ये जो प्लेट्स हैं उनको सेक कर दिया जाता है बाई सेकेंड एंड बाई कलेक्टिंग दीज डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक पार्टिकल्स आर रिमूव्ड मैनुअली आर ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या इसी को हम बोलते हैं कोट्रेल प्रेसिपिटेटर कैसे वर्क करता है। सेकेंड एप्लीकेशन है स्टूडेंट इन टेस्ट ऑफ ब्लड, इन टेस्ट ऑफ ब्लड, इन टेस्ट ऑफ ब्लड जो ब्लड की टेस्टिंग होती है वो इस पर डिपेंड करती है, इट इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, क्योंकि ब्लड ये जो स्टूडेंट ब्लड है और आरबीसी है, ब्लड एंड आरबीसी, इसमें पाया जाता है इट कंटेन्स कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इट कंटेन्स कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मीन्स ब्लड और आरबीसी में क्या पाया जाता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, या आप इसको आप कह सकते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है आपका एक तरह से कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है और ये कोलाइडल इन नेचर होता है। कैसा होता है कोलाइडल इन नेचर तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मीन्स वो हीमोग्लोबिन कैसा है कॉन्जुगेटेड कोलाइडल इन नेचर है, इसका मतलब ब्लड भी और आरबीसी भी आपका कैसा है कोलाइडल सोल्यूशन है और ये कैसा होता है निगेटिव कोलाइडल सोल्यूशन होता है, निगेटिव डिस्चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स जब हम बीमार होते हैं या किसी कोई पेशेंट होता है डॉक्टर के पास जब भी जाता है तो उसको तुरंत ब्लड टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तो जो ब्लड टेस्ट है ये किस पे डिपेंड करता है कोलाइडल नेचर के कारण जो ब्लड है उस पर जो भी एप्लीकेशन हम करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन का एप्लीकेशन करते हैं, इसका कैलकुलेशन करा के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ब्लड के उसको हम सेपरेट करते हैं या जो लैब टेक्नीशियन होता है उस कैलकुलेशन करा करके ब्लड का जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उसको सेपरेट करेगा और फिर टेस्ट करके बताता है ब्लड में क्या क्या दिक्कतें हैं जिससे हमको बीमारी का पता चल जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट इन फूड आर्टिकल्स, बहुत सारे फूड आर्टिकल्स हैं जो कोलाइडल इन नेचर हैं। थर्ड तो आप लोग थर्ड देख लीजिए नोट कर लीजिए इन फूड आर्टिकल्स फूड आर्टिकल्स में बहुत सारे हैं जैसे आपका पनीर है चीज है आइसक्रीम है
जो हम लोग खाते हैं ये सारे कैसे हैं, ये कोलाइडल इन नेचर है। तो जितना भी ये सब हम लोग बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, चीज बनाते हैं, ये किसके कारण है, ड्यू टू द कोलाइडल इन नेचर। नेक्स्ट और लास्ट है स्टूडेंट इन मेडिसिन, तो आप लोग फोर्थ नोट कर लीजिएगा इन मेडिसिन। यहां मेडिसिन में भी कोलाइड्स का एप्लीकेशन है। तो मेडिसिन स्टूडेंट्स आप जानते हैं मोस्टली जो मेडिसिन होती है वो किस फॉर्म में पाई जाती है, टैबलेट्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में, और या तो सोलूशन के फॉर्म में होगा, जैसे कफ सिरप वगैरह है, और बहुत सारे सिरप हैं जो सोलूशन के फॉर्म पे आ जाते हैं। और ये सब कैसे हैं, कोलाइडल, कोलाइडल इन नेचर होते हैं, कोलाइडल इन नेचर होते हैं। और टैबलेट और जो सोलूशन है ये कोलाइडल इन नेचर है, जिसके कारण इनका जो सरफेस एरिया होता है ज्यादा होता है, मींस हैव या यहां लिख लीजिए इनका क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, हाई सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया लिख लीजिए आप, क्या होगा, मोर सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया जो होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है, मोर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जब ज्यादा होगा तो एसिमिलेशन ज्यादा होता है, इसके कारण क्या होगा, बेटर एसिमिलेशन, बेटर एसिमिलेशन या एडजॉर्प्शन आप कह सकते हैं। एसिमिलेशन जितना ज्यादा एसिमिलेशन होगा, जितना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा मेडिसिन, उतना ही ज्यादा क्या होगा, इफेक्टिव होगा। तो ये जो कोलाइडल नेचर है मेडिसिन का, टैबलेट और सोल्यूशन का, तो क्या होता है, बेटर एसिमिलेशन के कारण मोर सरफेस एरिया होता है जिससे बेटर एसिमिलेशन होगा, और जो इनका इफेक्ट होगा डिजीज को कंट्रोल करने के लिए वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट ये आपका जो कोलाइड्स का एप्लीकेशन हुआ ये कंप्लीट हो गया, और ये चैप्टर भी आज आपका फिनिश हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जब स्टार्ट कराएंगे तो बताएंगे आपको कौन सा चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स। एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो मेरा केमिस्ट्री ब्लॉग है इसमें जितने भी वीडियो आ रहे हैं आप उसको देखिए, देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो हमको रिप्लाई जरूर करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही।